अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीलॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से मैं पहुँच गया हूँ इस्तांबुल में। यहाँ मेरा 2 दिन का स्टे है इंशाल्लाह, पर अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये मैं चलती गाड़ी से उतरने लगा हूँ, उतर गया। असल में उतरा नहीं हूँ मैं चलती गाड़ी से। हुआ ये है कि ये फेरी है, ठीक है, एमिनोनो है। यहाँ से फेरी जाती है गाड़ी को लेके दूसरी जगह पे जहाँ पे हमने जाना है। एक ये है एशियन साइड और एक है यूरोपियन साइड। अभी हम ये देखें, ये फेरी है सारी, इस फेरी में सारी गाड़ियाँ जाती हैं, लोड होती हैं और फिर ये दूसरी तरफ ये ट्रांसफ़र करके आती है। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ऊपर भी है, मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ। ऊपर भी बड़ा खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है समंदर की, ये देखते हैं। मुझे पता है शोर आ रहा होगा बहुत, लेकिन उसके लिए मैं आवाज़ रह चाहता हूँ क्योंकि इसका शोर होता है। सेकंड लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहिए हर तरीके से, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये है गलाटा टावर। इसकी भी एक हिस्ट्री है, इसकी भी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ये भी। लेकिन आज मुझे बहुत से काम है, मुलाकातें हैं, इंशाल्लाह आज नहीं लेकिन कल इंशाल्लाह जाएंगे, आपको फिर इसकी हिस्ट्री बताएंगे। ये गलाटा टावर है, ये यहाँ का बड़ा फेमस है और बड़ा हिस्टोरिकल है ये भी। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बस हम अनलोड होने लगे। ये देखिए दूसरी गाड़ियाँ सारी अनलोड हो गई है, किस तरह यहाँ भी हम बैठे हैं जी। बैठ के तो पहला जो मेरा ब्रेकफास्ट है, फर्स्ट ब्रेकफास्ट इन इस्तांबुल, वो होस्ट कर रहे हैं जनाब आसिफ साहब। सरकार के चाहने वाले हैं, दीवाने हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। सो हमने लिया है लैम और साथ में बकलावा, जो इनका बड़ा फेमस और मेरा बड़ा फेवरेट है। और उसमें साथ इनकी एक ड्रिंक है सिरमा, वो भी बहुत अच्छी है। ब्रेकफास्ट में हमने वो मंगवाई है कि हमारा ब्रेकफास्ट आ गया अभी से इंशाल्लाह। मुझे वैसे ही टर्किश खाने बड़े पसंद है, ये है। ये देखिए, ये है इनका लैम, ये बड़ा टेंटी है, बड़ा जूसी और बड़ा टेंटी। ये इनका आमलेट है जी, जिस तरह पकौड़े होते हैं, ठीक है ना। और ये रोटी की जगह में इन्होंने ये ब्रेड वगैरह दी है, साथ में थोड़े से राइस। ये है जनाब टर्किश टी और बकलावा। कैसे हो सकता है कि फर्स्ट टी और बकलावा टेस्ट ना करें हम। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ब्रेकफास्ट करके होटल में आ गया हूँ और अब मैं रेस्ट करने लगा हूँ, सोने लगा हूँ, क्योंकि बिल्कुल नहीं सोए, बहुत थकावट हो गई है। अब रेस्ट करते हैं, फिर उठ के तो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करवाते हैं सिटी। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह मगरब की नमाज पर ये रेस्ट किए, अब मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ जिम के लिए वर्कआउट करके, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट है, इस वक्त मैं सुल्तान अहमद वो कांट पे, सुल्तान अहमद मॉस्क और आया सोफिया ब्लू मॉस्क, वो इंशाल्लाह आपको मैं कल एक्सप्लोर करवाऊँगा। कह रहे हैं पहले, मेरा दिल कह रहा है मैं भी इनके साथ वर्कआउट कर लूँ, बट मुझे जाना है अभी कुछ जगह पर।
पाकिस्तान में तो अभी गर्मी होगी, आपको शोर भी आ रहा होगा पीछे से, क्योंकि मैं रोड पे हूँ। मैं जा रहा हूँ गलाटा पोर्ट पे, पोर्ट पे मुझे थोड़ा सा काम है। तो यहाँ पे बहुत मज़े की आवाज़ चल रही है, ठंडी ठंडी। ये पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखी है, पहले पहली दफ़ा मैं आया हूँ यहाँ पे। हाँ ये मस्जिद है, या शोर इट्स मास्क। सो अभी मुझे पोर्ट पे थोड़ा सा काम है, वो मैं काम वाइंड अप कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। इतना खूबसूरत चेक करें माशाल्लाह, और इतना खूबसूरत वेदर है ना यहाँ पे। इसकी इस्तांबुल की आपको तारीख बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है इसलिए बता नहीं सकता। ये है जी मेरा फेवरेट, इसे कहते हैं सिकंदर। ये देसी घी में तैयार होते हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुर्की में आऊँ और इस्तांबुल में आऊँ स्पेशली, और सिकंदर या अदाना कबाब और बकलावा ना खाएं। और आपको पता है तुर्की के खाने वैसे ही बड़े फेमस, और मुझे खाने पीने का वैसे शौक भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये टेस्ट करते हैं, खाते हैं, फिर बाद में मुलाकात करते हैं। ऐसे आपने थोड़ा सा ये सिकंदर लेना है, ठीक है, ये देसी घी, ये साथ में योगर्ट है, इसे थोड़ा सा लगा के। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपने रूम में आ गया हूँ। मैं लेटने लगा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। सो इंशाल्लाह कल आपको मैं टॉप कॉपी पैलेस, उसके बाद ब्लू मास्क और कुछ सूफियाँ यहाँ पे दरवेश हैं उनकी जो मज़ारात है उनकी ज़ियारत भी करवाऊँगा। फिर उसके बाद आपको आया सूफिया उसकी तारीख़ भी, और इस्तांबुल की तारीख़ इंशाल्लाह इस्तांबुल की मैं आपको कल बताऊँगा। सो अभी मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।